उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ का क्या होगा? सिफारिश दोबारा भेजना ना भेजने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम की बैठक हुई। बैठक में कल फैसला नहीं हो सका, क्यों? आइए आपको बताते हैं इसकी इनसाइड स्टोरी। जजों की नियुक्ति का मसला न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव की वजह बना हुआ है। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि जस्टिस केएम जोसेफ का क्या होगा। कल सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों के समूह यानी कोलेजियम में भी इस पर फैसला नहीं हो सका। बेहद उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक करीब 50 मिनट बैठक चली। 5 सदस्यीय कोलेजियम के 2 जज इस मसले पर सरकार से बात करने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि कोलेजियम चाहे तो दोबारा जोसेफ के नाम की सिफारिश भेज सकता है, लेकिन सरकार ने उनके नाम की सिफारिश वापस भेजते वक्त जो मसले उठाए हैं उन पर गौर करके फैसला लेना बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 जनवरी को जस्टिस केएम जोसेफ और इंदु मल्होत्रा के नाम की सिफारिश एक साथ भेजी थी। सरकार ने पिछले हफ्ते सिर्फ इंदु मल्होत्रा के नाम को मंजूरी दी। जोसेफ का नाम दोबारा विचार के लिए कॉलेजियम के पास भेज दिया। इसी बात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। द फेस वी आर सीइंग इन द सुप्रीम कोर्ट टुडे इज टू से द लीस्ट डिजास्ट्रस। विरोधी न्यायपालिका की आजादी का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं सरकार ने नाम वापस भेजने के पीछे भेजी गई चिट्ठी में कुछ तर्क दिए हैं। सरकार ने जोसेफ के नाम की सिफारिश वापस भेजते हुए ये वजह बताई थी। हाईकोर्ट के जजों में वरिष्ठता सूची में जोसेफ का नंबर 42वां है, उन्हें दरकिनार कर ये सिफारिश भेजी गई। इस समय 11 हाईकोर्ट चीफ जस्टिस उनसे वरिष्ठ हैं, उन्हें भी दरकिनार किया गया। केरल हाईकोर्ट से आने वाले एक जज पहले से सुप्रीम कोर्ट में है। कलकत्ता, राजस्थान, गुजरात और झारखंड जैसे कई हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कोई जज नहीं। मूल रूप से केरल हाईकोर्ट के जज रहे कई लोग देश भर में जज हैं। अभी 4 हाईकोर्ट चीफ जस्टिस हैं जो केरल से हैं। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति का जज नहीं। कॉलेजियम की बैठक में राजस्थान, कलकत्ता और आंध्र तेलंगाना हाईकोर्ट के 3 जजों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पर भी चर्चा हुई। इससे यही लगता है कि जजों के चयन में क्षेत्रीय संतुलन की बात पर कॉलेजियम ने गौर किया है। ये बैठक दोबारा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजों के 6 पद खाली हैं। इस लिहाज से भी नए जजों की नियुक्ति काफी अहम है। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जजों की कमेटी होती है जो जजों की नियुक्तियों और प्रमोशन के संबंध में फैसले लेती है। इस कमेटी यानी कॉलेजियम का फैसला सरकार को भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद कॉलेजियम के फैसले पर मुहर लग जाती है। ये प्रावधान न्यायपालिका की आजादी के लिए किया गया है ताकि इसमें सरकार का हस्तक्षेप कम से कम रहे। दिल्ली से निपुण सहगल की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।